इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्किट डायग्राम एंड न्यूमेरिकल। तो पहले सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं क्या है। तो सर्किट डायग्राम के लिए हमें दो तरह के कंपोनेंट चाहिए। एक चाहिए जो पावर डिलीवर करे, जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करे। दूसरा एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो उस एनर्जी को रिसीव करे, स्पेंड करे, इन टर्म्स ऑफ लाइट, इन टर्म्स ऑफ हीट, इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक एनर्जी, वो में भी हो सकता है फ़ैन हो, जो एनर्जी को उसको रिसीव करके और उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करे। ठीक है, समझ रहे बात। तो पहला कंपोनेंट बैटरी होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट अब हमारा जो उसको रिसीव करे, तो ये तो है एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे, जो है हमारा वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो बैटरी लगाया हुआ है या सेल लगा दो, तो सेल को हमने बैक टू बैक सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है बैटरी फॉर्म में वोल्टेज बढ़ाने के लिए। फिर हम उससे आगे चलते हैं। अब हमें इसको कंट्रोल भी करना है। कंट्रोल करना है कि हम जब चाहें, जब हम उसको एनर्जी दें, जब चाहें जब उसको रोक दें। जैसे कि हमारे हाउस घर में वो फ़ैन को चलाने के लिए या लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होता है, तो एक स्विच हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। ठीक है, उस स्विच से हमने कनेक्ट किया हुआ है एक, सपोज़ करो बल्ब कनेक्ट किया हुआ है। सही है, ये है। तो जब भी अब यहाँ पर जो वोल्टेज आप इसके अक्रॉस, जो भी बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज है, सही है, तो वोल्टेज अक्रॉस बैटरी, तो सपोज़ करो यहाँ पर 3 वोल्ट का है ये, सही है, तो 1.5 वोल्ट ये और 1.5 वोल्ट इस सेल से, तो दोनों का मिला के 3 वोल्ट। ठीक, और यहाँ से इसको ऑन किया हुआ है तो इससे लाइट जनरेट होगी, है ना, तो लाइट और हीट की फॉर्म में एनर्जी। तो इसके अक्रॉस कुछ पावर, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पीडी, ठीक है, तो इसके अक्रॉस भी कोई वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज ही है। ठीक है ना, तो पीडी कह सकते हैं या इसके अक्रॉस इसको वोल्टेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज है, इसको मान लिया कि वोल्टेज है इसके अक्रॉस। अभी हमें पता नहीं कितनी वोल्टेज है, उसके वोल्टेज को निकालने के लिए आपको एक तो करंट पता होना चाहिए, सही है, करंट पता होना चाहिए और इसका रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। या दूसरा आप यहाँ पर सीधा सीधा क्या लगा दो, एक वोल्ट मीटर, इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी। ऐसे इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा सकते हो। ठीक है, तो या अब करंट पता होना चाहिए। अगर आपके पास वोल्ट मीटर नहीं है तो आपको इसका करंट एमीटर होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए और इसका रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। तो पहले तो सिंपल सा एक रूल है, ये है कि ये तो है जो हमारा ये वाला जो सोर्स है, ये क्या है, ये एनर्जी सोर्स है। ठीक है, तो एनर्जी सोर्स, या इसको वोल्टेज सोर्स बोल दो। ठीक, तो जो एनर्जी सोर्स जो एनर्जी डिलीवर करेगा, सही है, और इस क्लोज सर्किट में ये जो है ये है रिसीवर, सही है, तो इसको बोलेंगे एनर्जी डिसिपेटर इक्वल्स टू एनर्जी डिसिपेटर, डिसिपेशन बोल सकते हो, एनर्जी डिसिपेटर बोल सकते हो। तो ये एलिमेंट है एनर्जी डिसिपेटर, सही है, ये एनर्जी को स्पेंड कर रहा है, स्पेंड कर रहा है कि इन टर्म्स ऑफ हीट, इन टर्म्स ऑफ लाइट, इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक एनर्जी, मतलब फैन यूज़ कर रहे हो आप, है ना, तो एनर्जी डिसिपेटर। तो जो भी एनर्जी ये यहाँ पर इसको सेंड करेगा, तो दूसरा एलिमेंट उसको रिसीव करेगा। तो और अब इसको दूसरे टर्म्स में अगर लिखें, तो सेम चीज़ को जो भी वोल्टेज यहाँ पर है, जो वोल्टेज सोर्स है, तो जो वोल्टेज है बैटरी की, तो वोल्टेज अक्रॉस बैटरी ऑलवेज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस जो भी उसके साथ कनेक्ट हुआ है, सही है, तो वोल्टेज अक्रॉस लैम्प और ओब्लिक बल्ब, एक एलिमेंट कनेक्ट हुआ है। ठीक है, दो हैं तो उसके इक्वल हो जाएगा। तो अब इस सर्किट को मैं थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में इसको बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब तो इसको मैं रेसिस्टेंस के फॉर्म में बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब बल्ब बल्ब का छोड़ देते हैं। तो जो बल्ब है बेसिकली उसके अंदर रेसिस्टेंस है, और वो रेसिस्टेंस जो है बेसिकली रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी ये है कि वो करंट का अपोज करता है। ठीक है, और रेसिस्टेंस
जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो सोर्स से आ रही है उसको कन्वर्ट करता है हीट में, ठीक है। तो जो बल्ब वगैरह है वो हीट में भी कन्वर्ट करता है और साथ साथ उसको लाइट में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक की लगा दी हमने, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा दिया, एक और रेसिस्टेंस लगा दिया, दो बल्ब एक साथ सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो अब वोल्टेज जो इसके अक्रॉस है, तो यहाँ पर वोल्टेज, अब इसको अगर मैं ऑन करूँ तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा आई। तो यहाँ पर वोल्टेज सपोज करो V1 है और यहाँ पर वोल्टेज है V2, ठीक है। तो ये तो है पावर, ये तो एनर्जी सोर्स है हमारा, ठीक है। पावर सोर्स, एनर्जी सोर्स, आप कुछ भी बोल सकते हो। वो एनर्जी और पावर की जो टर्म है उनको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। या वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज ये सोर्स है और ये वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। दो एलिमेंट, तो V इक्वल्स टू क्या बनेगा, V1 प्लस V2, ठीक है। और V-V1 -V2 इक्वल्स टू 0। तो जितनी एनर्जी यहाँ पर ये रिलीज कर रहा है उतनी एनर्जी को ये डेसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी में से, तो रिलीज एनर्जी इक्वल्स टू डेसिपेट एनर्जी इक्वल से है, रिलीज एनर्जी इक्वल्स टू डेसिपेट एनर्जी, ठीक है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कोई एनर्जी नहीं बचेगी शेष, वो इक्वल्स टू 0। तो इसको KVL भी बोलते हैं, सही है, किरचॉफ किशोफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो इस तरह से इसको लेके चलना है। अब इस सर्किट में आगे हम और कुछ मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि अब सपोज करो हम एक सर्किट है और हमें उसकी करंट की वैल्यू चाहिए, हर एक उस पर वोल्टेज की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम देता हूँ। तो एक सर्किट है जिसमें हमने टू लैंप कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो इस सर्किट को मैं कुछ इस तरह बना लेता हूँ। तो एक यहाँ बैटरी है, ठीक, उसमें फिर हमने यहाँ पर एक एमीटर लगाया हुआ है, फिर एक यहाँ पर लैंप लगाया हुआ है। तो लैंप को मैं इस तरह भी इसको शो कर सकता हूँ, है ना, ये लैंप है। तो रेसिस्टर की उसमें फॉर्म में भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, पर न्यूमेरिकल है इसको ऐसे समझ लो। इसके अक्रॉस मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आ रही है वो मेरी रीडिंग आ रही है 12 वोल्ट। इस एमीटर की जो रीडिंग है वो आ रही है मेरी 2 एम्पियर। अब मैंने एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है, और एक वोल्टेज सोर्स इसके अक्रॉस लगाया हुआ है, एक वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगाया हुआ है इस बल्ब के, ठीक है। तो ये बल्ब का नाम दे देते हैं ए, इस बल्ब का नाम दे देते हैं बी, तो कन्फ्यूज मत होना, ऐसे ऐसे और इसे ऐसे, ये इस बल्ब का नाम है ए और इसका बी, ठीक है। तो सपोज करो इसकी जो रेटिंग है, इस वोल्ट मीटर की रेटिंग है 4 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो ये वाला मीटर है ये किस तरह का है, ये कैसा मीटर है जो सीरीज में लगाया हुआ है और ये करंट मेजर कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में है विच टाइप ऑफ मीटर, इसका नाम देते हैं मीटर का नाम एक्स। विच टाइप ऑफ मीटर इज मीटर एक्स, तो ये एक सिंपल सा है एमीटर है और इसको सीरीज में लगाया हुआ है। दूसरा है व्हाट टाइप ऑफ मीटर वाई, इसको नाम देते हैं, जो ये इस मीटर का नाम देते हैं वाई, व्हाट टाइप ऑफ मीटर वाई, ये किस तरह का मीटर है। तो ये वोल्टेज मेजर कर रहा है, एक्रॉस लगाया हुआ है तो ये वोल्टेज मेजर कर रहा है, तो ये क्या है, वोल्ट मीटर। ठीक, अब है जो रीडिंग, वाई की रीडिंग क्या होगी, तो फार्मूला वही है ना। तो यहाँ पर जो मैंने दिया था वी इक्वल्स टू V1 प्लस V2, तो वी कितना है यहाँ पर, ये 12 वोल्ट, V1 कितना है इसके अक्रॉस 4 वोल्ट रीडिंग आ रही है, तो 4, और V2 कितना है, अब उसको निकाल लो तो कितना बताएगा, तो V2 इक्वल्स टू आएगा 12 वोल्ट -4 वोल्ट, ठीक है, तो इक्वल्स टू 8 वोल्ट रीडिंग जरूर लिखना। तो V की जो रीडिंग है, Y की जो जो वोल्ट मीटर, वाई वाला जो वोल्ट मीटर है या बी पे जो लगा हुआ है, तो इसकी रीडिंग कितनी है, 8 वोल्ट, ठीक है। निकाल लोगे इसकी रीडिंग कितनी आएगी, ये नोन है, ये नोन है, इस वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग नोन है,
इसका कुछ भी नोन नहीं है, ठीक है, तो इसका नोन नहीं है, इसको निकालना है। तो सीधा सीधा वही कि सोर्स, जो सोर्स की वोल्टेज है, माइनस दिस वोल्टेज इक्वल्स टू दिस वोल्टेज, सिंपल है।